आदाब नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है एस ए 24/7 न्यूज़ में। ओलंपिक फातह खिलाड़ी पीवी सिंधु का आरजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। टीएस के वजीर वी श्रीनिवास गौड़, एस ए टीएस के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ साइबराबाद के सीपीवीसी सजनार आईपीएस ने कांसी का तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु का इस्तकबाल किया। पीवी सिंधु और इनके कोरियन कोच याकताई सिंह को टीएस वजीर, तेलंगाना खेल सयाहत और सखाफत के वजीर वी श्रीनिवास गौड़, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस और शमशाबाद के डीसीपी एन प्रकाश रेड्डी आईपीएस और दीगर ओहदेदारों ने आरजीआई एयरपोर्ट पर रियासत तेलंगाना में दो ओलंपिक तमगे जीतने वाली वाहिद हिंदुस्तानी खातून शटलर पीवी सिंधु और इनके कोच को आज टोक्यो गेम्स में कांसी का तमगा जीतने के बाद वतन वापसी पर इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। साइबराबाद सीपी ने कांसी का तमगा जीतने वाली सिंधु टू ओलंपिक तमगा जीतने वाली मुल्क की सिर्फ दूसरी हिंदुस्तानी और पहली खातून एथलीट बन गई हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 26 साल खिलाड़ी ने चीन के पी चिंग जियांग को शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। మాట్లాడుతుంది చెప్పింది డెఫినెట్లీ ఆ రెండు గేమ్స్ కూడా గోల్డ్ కొడతాను, మళ్ళీ వచ్చే ఒలింపిక్స్ కూడా డెఫినెట్